हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंकर। तो आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, वजाइना इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान पे क्यों होता है, देखो वाई डिस्चार्ज होना है और नॉर्मल है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी रिलेट करता है कि आपको वजाइना इन्फेक्शन जो होता है वो बार बार क्यों हो जाता है, क्या रीजंस होते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपके साथ में बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान पे ये चीज़ आपके साथ में ना हो, बहुत ज़्यादा बार ना हो, किन चीज़ों आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रही, थोड़ी बहुत सभी के साथ होती है। तो क्या क्या चीज़ें होती है इस वीडियो में आज ये सारी बातें हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से हिट करें, वीडियोस की गाइस अपडेट आपको तभी मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान पर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड के कारण, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हॉर्मोन्स जो होते हैं काफ़ी इम्बैलेंस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी पे अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखते हो। उनमें से ही ये एक होता है वजाइना इन्फेक्शन, जो कि कभी ना कभी वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो नॉर्मल एक चीज़ हो रही है। उसके साथ में अगर आप कुछ सावधानियां नहीं बरतोगे जिसके रिगार्डिंगली आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, वजाइना इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, तो वो क्या चीज़ें होती है। देखो फर्स्ट थिंग जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आपको हाइजीन मेंटेन रखो। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो डेफिनेटली आपको ये इशू होगा। तो अब हाइजीन आप किस तरीके से आप मेंटेन रख सकते हो, तो फर्स्ट थिंग जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान पे लूज कपड़े, ढीले कपड़े, सूती कपड़ों का ही प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा लाइक सिल्क के कपड़े इस तरीके की पैंटी वगैरह का यूज़ ना करें। बेसिकली यहाँ पे पैंटी की बात हो रही है, तो पैंटी का यूज़ ना करें। उससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा वेट रहेगा और उसी वेट से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको इन्फेक्शन वगैरह, वाइट डिस्चार्ज तो हो रहा है वो एक अपना प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उसके साथ में ये चीज़ आपको फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे वाइट डिस्चार्ज जो होता है ना कई बार क्या होता है नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत होना बहुत नॉर्मल है कि कभी कभार होगा, बहुत थोड़ी मात्रा में होगा, तो वो जो एक प्रोसेस होता है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो उसने अपना काम करना है वो कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपका साफ़ सफाई का जो ध्यान होता है उसको आप बहुत ज़्यादा रखो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, अब आपको खाने पीने का ध्यान देना है। खाने पीने में आपको बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो होती है पानी, पानी का इंटेक लेना है, विटामिन सी के सोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा इंटेक करो, फाइबर अपने खाने में जितना हो सकता है लो, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा आपको लेना है, ठीक है। पानी जितना ज़्यादा पियोगे आपको इन्फेक्शन वगैरह, वजाइना इन्फेक्शन में आपको राहत भी मिलेगी, अभी कहीं ना कहीं वो रोकेगा। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि इन्फेक्शन हो गया तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब जब आपको इन्फेक्शन हो ही गया, आपको पता चल चुका है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको यही चीज़ मेडिसिन देंगे, 2-3 दिन की मेडिसिन देते हैं, वो आपको लेनी होती है, उसके बाद जो होता है ये चीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है। तो वो तो हो गया एक प्रोसेस। अब इसके लिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करो जिससे ये चीज़ नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको कहा हाइजीन मेंटेन रखो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो होती है अगर वाइट डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा होता है तो इसे आपको डबल हाइजीन मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। सेकेंड चीज़ जैसे मैंने कहा पानी का ध्यान रखें। अब थर्ड चीज़ जो होती है वो होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो, वो चीज़ भी होती है इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड। तो आप जब भी इंटीमेट होते हो उस दौरान पे, प्रेगनेंसी के दौरान पे, तो प्रोटेक्शन हमेशा ही यूज़ करें। अगर आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहा है ना तो आप इस चीज़ को ज़रूर से नोटिस करना, जब से आप प्रोटेक्शन यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे आपको ये जो 50% to 80% जो आपका ये प्रॉब्लम बार बार जो होती है ना वजाइना इन्फेक्शन, ये आपका रिसॉल्व हो जाएगा वहाँ पर ही। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। ये होता है क्यों होता है कि देखो पहले ये चीज़ नहीं होती थी लेकिन अब हो रही है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन, देखो आप किस तरीके से रहते हो, पार्टनर किस तरीके से रहते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ख़ास करके जब इस तरीके से लाइक वो चीज़ें कंटिन्यू होती हैं तो उसमें और भी ज़्यादा ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हो, वो आपका चॉइस है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, आप उसका यूज़ करो, ये बहुत शर्म वाली बात नहीं है। तो ऑब्वियसली आप प्रेगनेंसी में होकर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना मस्ट है। अगर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम आपको फेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तो स्किप करोगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में लगी हुई रहेगी, और डेफिनेटली अगर आपको ये अगर आगे चलकर आपके डिलीवरी के बाद में भी अगर आप फेस करते हो ना तो इस चीज़ को जरूर से कंटिन्यू रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा
हेल्प मिलेगा और ये रियली काफी ज्यादा वर्क करता है। आई होप आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी। आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको साथ साथ हाइजीन का ध्यान रखना है और ये थर्ड चीज जो है आपको जब भी इंटीमेट होना है प्रोटेक्शन यूज करना है। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके रिगार्डिंगली आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और यूजफुल वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। टेक केयर।